विभाग 400 ने किया आवेदन। सबका विकास पर औद्योगिकों के पास आया जीएसटी विभाग। नागपुर केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में सर्विस टैक्स एक्साइज के पुराने मामलों के निपटान के लिए लाई गई सबका विकास विरासत विवाद निपटान योजना पर मिल रही धीमी प्रतिक्रिया के बाद विभाग ने अब खुद होकर उद्योगों तक पहुंचकर इन्हें इन स्कीम के रूबरू कराने की पहल की है, जहां अधिकारी भी रात में भी ऑफिस खोलने को है तैयार। यहां भूतो न भविष्यति वाली स्कीम है, जिसका पूरा लाभ लेना जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है, शिवसेना को मिला है बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। विद्रोही शिवसेना नेता विशाल धनावड़े ने लगभग 300 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। धनावड़े टिकट न मिलने से नाराज थे। वो पुणे के कस्बा पेट निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है, पालघर में जहां पूर्व शिवसेना एमएलए भाजपा में हुई है शामिल। शिवसेना से जीत की हैट्रिक बनाने वाली पालघर की पूर्व विधायक और राज्य मंत्री मनीषा निमकर ने भाजपा ज्वाइन कर ही लिया है। उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भाजपा में प्रवेश किया है। 1995 से 1999 और 2008 में 3 विधानसभा चुनाव में जीती निमकर को 2009 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उनकी इच्छा बोईजर से लड़ने की थी, लेकिन पार्टी के मना कर देने से नाराज होकर निमकर ने दहानों से भाजपा के लिए काम करना शुरू कर दिया और अंततः उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। धन्यवाद।